बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तान में जो इश्यूज़ हैं, हेल्थ से रिलेटेड हों, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हों, आप बहुत अच्छी तरह से अवेयर हैं। थोड़े से स्टेटिस्टिक्स मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 10% जो पॉपुलेशन है, दे आर सफरिंग फ्राम हेपेटाइटिस बी एंड सी। बहुत बड़ा पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। पाकिस्तान हेल्थ रिसर्च काउंसिल ने लास्ट ईयर एक बहुत बड़ी स्टडी की और उस सर्वे के मुताबिक तकरीबन 46% पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ हाइपरटेंसिव, और हाइपरटेंशन जो है दैट इज़ लीडिंग काज ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिस पे अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसके अलावा तकरीबन 26.3% पाकिस्तान की जो अडल्ट पॉपुलेशन है दे आर सफरिंग फ्राम डायबिटीज़। अगर हम बात करें चाइल्ड बर्थ के जो इश्यूज हैं, अर्ली लाइफ की जो मॉर्टेलिटी, उसमें पाकिस्तान नंबर वन है। मदर की ड्यूरिंग बर्थ जो डेथ्स होती है उसमें पाकिस्तान में जो स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक बहुत हाई रेशो है मदर की डेथ्स के हवाले से। इन्वायरमेंटल इश्यूज की हम बात करें, दीगर इश्यूज की बात करें, तो पाकिस्तान में जो रैंकिंग है पाकिस्तान की इंटरनेशनल, वो बहुत ही बुरी है। और बहुत सारी न्यूज़ में इस पर डिस्कशन होती है कि पाकिस्तान में जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है वो अच्छी नहीं है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं। 2017 में पाकिस्तान को कंसीडर किया गया था दैट इज़ मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। पोल्यूशन की वजह से तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा डेथ्स हर साल पाकिस्तान में हो रही हैं। कैंसर के 400,000 यानी 4 लाख से ज़्यादा केसेस पाकिस्तान में हर साल सामने आ रहे हैं। तो इन सारे मसाइल की वजह क्या है? एक बहुत बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। ये प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए 2012 में 21 अप्रैल को ही, आज से 7 साल पहले, नेशनल एकेडमी ऑफ यंग साइंटिस्ट ने कम्युनिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया है पाकिस्तान में, और इस प्रोग्राम को हमने बड़ा सक्सेसफुली रन किया है। इस ये वो प्रोग्राम था जिसको हमने इंटरनेशनल फोरम्स पे प्रेजेंट किया, जो काम हमने पाकिस्तान में किया, और इस प्रोग्राम को इंटरनेशनली उन्होंने एज ए मॉडल प्रोग्राम जो है वो कंसीडर किया, और बाकी कंट्रीज से भी कहा गया कि इस तरह के प्रोग्राम जो है स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए ताकि लोगों को मैक्सिमम अवेयरनेस दी जा सके। शुरू में हमारे पास एक छोटी टीम थी, उसमें हमने जितने इंटरनेशनल डेज होते हैं उनको सेलिब्रेट करने की कोशिश की, हमने बैनर्स, हमने पोस्टर बनाए, आर्टिकल लिखे और सारे मेंबर्स के साथ हमने शेयर करना शुरू की। जैसे जैसे हमें मज़ीद इसमें प्रोग्रेस मिली, हमने कुछ इवेंट्स जो हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में डेज़ के हवाले से सेलिब्रेट करना शुरू किए, जैसे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे था, एड्स डे के हवाले से प्रोग्राम, न्यूट्रिशन के हवाले से प्रोग्राम जो हैं हमने अरेंज करना शुरू किए। इसके अलावा जैसे जैसे हमें मज़ीद जो है वो प्रोग्रेस मिली इसी प्रोग्राम में, हमने बुक्स जो है वो पब्लिश करना शुरू की। हेपेटाइटिस में हमने 3 एडिशन जो है बुक्स के पब्लिश किए, वो हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए, और अभी तक हम 15,000+ जो है वो बुक्स पब्लिश कर चुके हैं। डायबिटीज़ में हमने बुक्स पब्लिश की, और मुख्तलिफ हवालों से जो कम्युनिटी के मेजर इश्यूज़ थे उसमें हमने लोकल लैंग्वेज में यानी उर्दू में लिटरेचर जो है वो प्रोड्यूस किया, और वो लिटरेचर हमने सारे जो है कम्युनिटी में हमने शेयर करना शुरू किया। इसके अलावा हमने अब बहुत सारे और इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेशन किया, और ये प्रोग्राम्स हम बाकी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर रन कर रहे हैं। तो ये एक प्रोग्राम था जिसने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है हमारी कम्युनिटी में। अब जितने भी डेज़ होते हैं, जैसे आज क्रिएटिविटी यानी इनोवेशन का डे है, इसका हम बैनर्स बनाते हैं, हम ना सिर्फ डेज़ सेलिब्रेट करते हैं, हम वीक्स सेलिब्रेट करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन वीक है या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक है या स्पेस वीक है, तो हम डेज़ सेलिब्रेट करते हैं। जितने इंटरनेशनल डेज़ होते हैं वो हम सब सेलिब्रेट करते हैं, हम वीक सेलिब्रेट करते हैं, हम मंथ्स जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मैसन कैंसर अवेयरनेस मंथ है या वेट लॉस अवेयरनेस मंथ है, अल्जाइमर्स अवेयरनेस मंथ है, तो जितने इंटरनेशनली मंथ्स जो सेलिब्रेट करते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ हम पाकिस्तान में करते हैं। इन सारे डेज़ के हवाले से, वीक्स के हवाले से, मंथ्स के हवाले से हम बैनर्स बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं, सोशल मीडिया पर हम शेयर करते हैं। हमारे मेम्बर्स इन डेज़ के हवाले से और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर फोकस करते हुए आर्टिकल्स लिखते हैं, जो कि हम सारे मेम्बर्स के साथ शेयर करते हैं, हम सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, हम ब्लॉग्स लिखते हैं, और इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इन सब इश्यूज़ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दी जा सके, ताकि लोग जो हैं वो अच्छे डिसीजन अपने बारे में कर सकें, अपनी कम्युनिटी के बारे में कर सकें। और पाकिस्तान में जो इतने सारे हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जो इतने सारे हमारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो इतने ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ को हम टैकल कर सकें। मैं आपके साथ मज़ीद शेयर करता चलूँ कि अभी रिसेंटली जो रैंकिंग है इसमें 2 पाकिस्तान के शहर ऐसे हैं जो टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में आते हैं। तो ये हमारे सीरियस किस्म के इश्यूज़ हैं जो कि हमारी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए बड़ी ज़रूरत है कि हम लोगों से ज़्यादा आगाही दें इन सारे इश्यूज़ के बारे में,
इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आज हमारे लिए एक स्पेशल डे है कि हमने ये प्रोग्राम 7 साल पहले शुरू किया, इसने एक इम्पैक्ट छोड़ा है, आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप अगर अच्छे कंटेंट राइटर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, ताकि हम मिलजुल के काम करें और पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकें। आम लोग जो हमारे इन कंटेंट्स को रिसीव करते हैं, पोस्टर बैनर्स को, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और बाकी लोगों के साथ आप ज़रूर शेयर किया करें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। मैं बहुत पुरउम्मीद हूं कि इंशाल्लाह ताला जिस तरह से हमने पहले काम किया, इसी तरह से इस प्रोग्राम की टीम जो है वो इससे ज़्यादा मेहनत से काम करेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट और अवेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम पाकिस्तान को एक अच्छा, प्रॉस्परस और हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच।